एक दो तीन चार पांच, पांच तो फोन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी फॉर माय डेली लाइफ। हर दिन मैं ये पांच फोन से डिफरेंट डिफरेंट काम करता हूँ। तो कौन सा फोन का क्या प्राइस है, इसका फीचर्स क्या है, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं देने जा रहा हूँ। पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दे हूँ, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ और ये वीडियो कोई टेक्निकल वीडियो है ही नहीं। भाई मैं लास्ट एक साल में यूट्यूब के पैसे से ये पाँच फोन खरीदा है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा हुआ, इसका फीचर्स क्या है और इसका दाम क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो कुछ मोबाइल शोबाइल खरीदना, तो मेरा एक्सपीरियंस होप सो माइट हेल्प यू आउट। और क्या क्या पर्पस से मैंने ये पांच फोन अभी अभी एक साल के अंदर मैं खरीद लिया हूँ इस लॉकडाउन के टाइम में, वो भी आपको पूरा डिटेल्स आपको देने जा रहा हूँ। तो छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लो। एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मैंने सोचा आज व्लॉग करने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा था, तो अचानक मेरे ड्रॉयर में मेरा नजर गया, मैंने देखा भाई मेरा पांच पांच फोन का कलेक्शन हो गया है। तो सोचा मेरे फोन के ऊपर एक छोटा सा व्लॉग कर दूँ। सो गाइस लेट्स मी इंट्रोड्यूस वन आफ्टर वन। आज से एक साल से थोड़ा पहले मैंने खरीदा था ये आसूस का एक बेसिक फोन। इस फोन का प्राइस था 5,000, 5,000 के अंदर में आसूस का ये फोन, दैट इज क्वाइट गुड। और ये फोन का एक ही प्रॉब्लम है, साउंड बहुत ही स्लो आ रहा था, तो आई वॉज यूजिंग फॉर जस्ट व्हाट्सअप फॉर माई फेसबुक। तो उसके बाद मैं क्या किया, आई जस्ट मैंने सोचा मुझको एक अच्छा मोबाइल चाहिए, तो इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, बट एक प्राइमरी फोन मुझको खरीदना चाहिए जो थोड़ा सा बेहतर हो। तो दोस्तों उसके बाद मैंने खरीदा था दिस फोन, ये है Vivo S1 Pro। इसका प्राइस था 18,000 एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, फोन अकॉर्डिंग टू द प्राइस, इसका जो क्वालिटी है, फोटो है, इसका जो स्पीड है, अभी एक साल हो गया है ऑलमोस्ट, अमेजिंग, अभी तक स्लो नहीं हुआ है। और ये फोन से एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे हुआ, दैट इज देखो मैं हूँ ट्रेवल ब्लॉगर, मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं गोप्रो से, मैं DSLR भी इस्तेमाल करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर आप कैमरा लेकर अंदर नहीं जा सकते हो, वहाँ पे कैमरा के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। ये मैं बहुत ही बुरा फंस गया था इजिप्ट जाकर, इजिप्ट में हर जगह पे कैमरा के लिए भाई 700 800 1,000 रुपये 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता था। तो फोन इज सच अ थिंग जो आपको इस मुसीबत से बचा सकता है। इंडिया में भी ऐसे, साउथ इंडिया में बहुत ऐसे जगह है। तो ये फोन मैंने खरीदा उस पर्पस में। और ये वाला जो फोन भाई मेरा छोटा मोटा, आप बोल सकते दिस इज द एडिट सेटअप ऑल्सो, क्योंकि जब मेरा PC काम नहीं करता तब मैं पूरा शूट इस फोन से करता हूँ, एडिट मैं इस फोन से करता हूँ, दैट इज अमेजिंग फैसिलिटी दैट आई गेट। भाई एक बात मैं बोलूँ, ये आई जस्ट लव टू यूज दिस फोन। ओके, ये वीवो S1 Pro का फोन है। तो सेकेंड हो गया दूसरा वाला फोन, अभी थर्ड फोन ये है ओप्पो का। ओप्पो का ये फोन AK समथिंग लाइक, ये मैंने खरीदा था जनवरी में, 2020 के जनवरी में। ये फोन का प्राइस पड़ा 8,000 8,000। इसका क्वालिटी सब कुछ ठीक ठाक है, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द कैमरा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसका डिस्प्ले इज एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग इज फाइन, बट इसका जो कैमरा फीचर है ये ठीक ठाक नहीं है। 8,000 दाम है, 8,000 के प्राइस में अच्छा कैमरा देना चाहिए था। ओप्पो बोलते हैं वो है, ये कैमरा फोन देता है, बट इन कंपेयर टू ओप्पो मैं दूसरा फोन, मैं रियलमी का फोन का भी कैमरा में कंपेरिजन करूंगा। मुझे जो लगा एक ही बजट के अंदर अगर आप ओप्पो और रियलमी के कंपेयर करोगे तो ओप्पो से रियलमी कई गुना बेहतर है, अमेजिंग, बेटर, एटलीस्ट कैमरा के एस्पेक्ट से बेटर कैमरा मैन मुझको मिला रियलमी से। तो नाउ नेक्स्ट कम अबाउट माई फोर्थ फोन, ये जो ग्रीन ग्रीन वाला फोन है, दिस इज माई फोर्थ मोबाइल। ये मोबाइल मैंने खरीदा था दिवाली एक ऑफर में, ये है रियलमी का C11। दिवाली के टाइम में इसको एक ऑफर चल रहा था फ्लिपकार्ट में, तो उसके लिए इसके मैंने पे किया 7,000 एंड सेटिस्फेक्शन जस्ट, आई जस्ट लव इट। और इस फोन खरीदने का जो मेन पर्पस था भाई, मेरा यूट्यूब चैनल को हैकर्स से बचाना। कैसे, देखो भाई ये तो मेरा प्राइमरी फोन, मेन फोन है वीवो का, जो ये जो S1 Pro है ये मेरा प्राइमरी फोन है। मैं यूट्यूब का ताम झाम, मेल चेक मेक सब कुछ मैं इससे ही करता हूँ जब मैं बाहर रहता हूँ। तो हैकर्स लोग बहुत मेल करते हैं, अगर उस मेल को अगर आप क्लिक करोगे उसका लिंक पिंग भेजता है, वो पागल लोग मीन्स पूरा मोबाइल हैक कर लेता है। तो उसके लिए
टू ऑपरेट माई एंटायर ऑपरेशन ऑफ माई यूट्यूब, जो मेल चेकिंग, मेल सेंड, ठीक, हर वक्त आप पीसी खोल कर, लैपटॉप खोल कर नहीं कर सकते, तो मैंने ये रियलमी का ये फ़ोन किना है, खरीदा है. सो अमेजिंग सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस. पर आज सुबह मैंने खरीद लिया है एक दूसरा फ़ोन. यस, ये दूसरा फ़ोन, ये भी है Realme का C11. ये फोन मैंने क्यों खरीदा है, लेट मी टेल यू. आई एम प्लानिंग टू ओपन अ इंग्लिश चैनल. भाई मैं इंग्लिश यूट्यूब चैनल मैं खोलने का मैं मन बना रहा हूँ. तो इंग्लिश यूट्यूब चैनल को मैं ज़्यादा इसके साथ मिक्स नहीं करूँगा. एक सेपरेट फ़ोन, एक सेपरेट आईडी, सब कुछ सेपरेट सेपरेट मुझको खरीदना है, खरीद करना. बिकॉज अभी जो मेरा चार चैनल है, एक है हिंदी में और तीन बाकी तीन है बंगाली में, मेरा जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें. सो पूरा सिस्टम इससे ऑपरेट होता है. तो ये वाला फ़ोन मैं इस्तेमाल करूँगा मेरा इंग्लिश चैनल के लिए. बट इंग्लिश चैनल का कंटेंट अभी नहीं सोचा है. कभी कभी सोच रहा हूँ लेट मी मेक द वीडियो इन इंग्लिश, इंग्लिश में व्लॉग कर दूँ. कभी कभी सोच रहा, नो, लेट मी मेक अ ग्रूमिंग का चैनल. सो इंग्लिश का मतलब एक ग्लोबल स्टैंडर्ड चैनल, तो दैट वीडियो विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड मुझे बहुत दिन से शौक था एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल को ओपन करना. तो 2020 खत्म होते होते पहले ही मैं इंग्लिश यूट्यूब चैनल खोल लूंगा, तो इसीलिए ये फ़ोन मैंने खरीदा है. बट यहाँ पर एक बिग बट है, बट इस फ़ोन का दाम 500 रुपीज़ ज़्यादा पड़ा. दिवाली के टाइम में 700 रुपये का डिस्काउंट चल रहा था इस वाला फ़ोन में. ये जो 700 रुपये डिस्काउंट 7000 में खरीदा था, बट अभी डिस्काउंट विस्काउंट चला गया. अभी इस फ़ोन का प्राइस पड़ा 7500. ऑल दिस अ बजट फ़ोन. भाई अगर 7000 के आसपास का कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो, बिलो 10000 खरीदना चाहते हो, तो मेरा मानना ये है, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, आग बंद करके Realme का ये C11 खरीद लो. अमेजिंग क्वालिटी, इसका फोटो क्वालिटी बहुत बढ़िया है. लेट मी एक फ़ोटो आपके लिए खींच कर मैं दिखा देता हूँ. देखो जस्ट लाइक लेट मी शो यू. यस, ये है फोटो. लेट मी शो यू द फोटो क्वालिटी. एक फ़ोटो मैं खुद का ही खींच लेता हूँ. सो देखो जस्ट लुक एट द फोटो. 1 2 ओके. तो नाउ लेट मी शो यू इसका फोटो क्वालिटी कैसा है. देखो दिस इज द फोटो क्वालिटी. जस्ट लुक एट द फोटो क्वालिटी, क्वाइट गुड. नो देखो जस्ट एक 7000 का फोन, इसका पिक्सल देखो, एवरीथिंग इज क्वाइट परफेक्ट. 7000 में इतना बढ़िया फोटो, अमेजिंग. इसीलिए मैं खरीदा हूँ. बिकॉज यहाँ पर दो कैमरा है, एक फ्रंट में कैमरा है, तो इससे मैं आसानी से मैं वीडियो में शूट कर व्लॉग व्लॉग करूंगा तो इंग्लिश में. सो व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू टुडे, आई एम मेकिंग अ वीडियो इन इंग्लिश. तो ऐसे ऐसे मैं थोड़ा सा शूट मूट कर लूंगा इस फोन से, सॉरी इस फोन से, ठीक है. सो दिस इज ओवरऑल माई मोबाइल वाला एक्सपीरियंस. एक छोटा सा वीडियो आज, यकीन मानिए, मेरा व्लॉग करने का कोई कॉन्टेंट ही नहीं मिल रहा था. घर से कहीं बाहर नहीं गया, सारा दिन घर में बैठे बैठे क्या करना. काम शुरू करो, अंताक्षरी लेके हरी का नाम, ये तो नहीं कर सकता. तो फोन लेकर एक व्लॉग बना दिया आपके लिए. तो अगर आपका बजट नियर अबाउट 20,000 है, यू मस्ट गो विद द वीवो S1 Pro. अगर आपका बजट अराउंड जस्ट लाइक 10,000 के नीचे है, डोंट गो विद दिस ओप्पो फोन. 10,000 के नीचे है तो आप यू मस्ट गो विद द रियलमी का मोबाइल. अगर सबसे कम है आपका बजट 5,000, तो आप आसूस का ब्रांड चूज कर सकते हो. दैट इज क्वाइट गुड इन 5,000 के बजट में, अच्छा खासा स्पीड दे देता है, काम चला लेता है. बट सैमसंग का जिस फोन, सैमसंग MO1 का जो बार बार हैंग होने का जो इशू है, इस फोन में ज़्यादा हैंग नहीं होता है. दैट्स क्वाइट गुड. स्पेसिफिकेशन क्या है, आई डोंट नो स्पेसिफिकेशन. आई नो बट मैं भूल गया इतना पांच फोन का. मैं एज आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट द टेक्निकल गाय. तो स्पेसिफिकेशन आप गूगल करो, देख लो. जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ. सो होप सो गाइस यू हैव एंजॉयड द छोटा सा व्लॉग. और ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ मेरा नया GoPro का ट्राईपॉड से. आपको उधर से दिखा देता हूँ मेरा GoPro का ट्राईपॉड. दिस इज द ट्राईपॉड ऑफ GoPro. ये देखो, ये GoPro का ट्राईपॉड है. कैन यू सी दैट? यस. अभी देखो, ये GoPro का ट्राईपॉड है. छोटा सा सेल्फी स्टैंड नहीं, ट्राईपॉड वाला थिंग्स. और इस ट्राईपॉड का दाम कितना है पड़ेगा, आपका कोई आइडिया? गेस. इसका दाम पड़ा जस्ट 100 रुपए. एक्चुअली आई वेंट विथ माई डैड, मेरे पापा के साथ मैं गया था टू इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट. वहाँ देख रहा था, सेल हो रहा था, बोल रहा था 250. तो भाई बार्गेनिंग तो मेरा आता नहीं है, तो मैंने बोला अब आप थोड़ा सा देख लो भाई, 250 का ट्राईपॉड. उसने बोला भाई 80 रुपए दे रहा हूँ, दे दे. तो शर्म के मारे मैं तो दूर दूर खड़ा रहा, भाई कहाँ 250, 250. और ही टोल दैट इज दे रहे हैं 80. तो भाई दुकानदार देख कर बोला, भाई 80 अंकिल जी क्या बोल रहे हो, तो आप 150 दे दो.
तो लास्ट फाइनल 100 रुपये में फाइनल डील हो चुका है। तो भाई बार्गेनिंग मेरे से तो नहीं होता है, तो एक बार्गेनिंग एक डिफरेंट लेवल का यू नो एक कला है जो सभी को नहीं आता है, मुझको तो नहीं आता है, बट माई डैड इज़ वेरी मच एक्सपर्ट है मेरा। मैं थोड़ा सा मेरा मम्मी की तरह हुआ हूँ, माई मॉम डजेंट डू द बार्गेन, जो पैसा बोल देता वही दे देता है, कभी कभी तो ज़्यादा ही दे देता है। तो ठीक है चलो यार, 100 रुपये में अच्छा खासा एक ट्राइपॉड मिल गया, अब आज ही खरीदा है, एक्सपीरियंस कैसा होगा 2-4 दिन इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा। सो गाइस ये था छोटा सा व्लॉग अबाउट द सिंपल थिंग विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, बना दिया, अच्छा लगा तो लाइक करो, बिना नहीं लगा तो कुछ भी मत करो, चले जाओ। अगर थोड़ा सा भी मुझको प्यार है अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके जाओ। ओके चलो भाई, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो। अगर लाइफ एक्साइटिंग हो तब एक्साइटिंग वीडियो होगा, बट मुझे मेरा मानना ही है व्लॉग हर वक्त अगर दिल से करोगे तो खुशी खुशी होकर करोगे तो हर व्लॉग ही एक्साइटिंग ही होता है। तो ये है मेरा घर, रात के अभी बाय गुडनेस 12 बज चुके, इट इज ऑलरेडी 12, लुक एट दैट, इट इज ऑलरेडी रात को 12 बजे ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, सुबह को 7-7:30 बजे व्लॉग को देना है। तो चलो अभी व्लॉग को खत्म, एडिट शुरू, चलो बाय, सी यू।